ब्रेक के बाद स्वागत है आपका सी न्यूज भारत में। खबर महाराजगंज से है, जहां लोकसभा क्षेत्र के प्रत्याशी पंकज चौधरी के समर्थन में आज भारत सरकार के गृह मंत्री अमित शाह महाराजगंज पहुंचे। इस दौरान उन्होंने जिला मुख्यालय स्थित जवाहरलाल नेहरू पीजी कॉलेज में एक भव्य चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी और अखिलेश यादव पर जमकर तंज कसा और कांग्रेस पार्टी सहित इंडी गठबंधन पर हमला करते हुए कहा कि छठवें चरण के चुनाव के बाद राहुल बाबा 40 सीटें भी पार नहीं कर पा रहे हैं। वहीं अखिलेश यादव 4 के अंदर रहने वाले हैं। उन्होंने कहा कि 4 जून की सुबह ये लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और कहेंगे कि ईवीएम खराब था, इसलिए हम लोग चुनाव हार गए। उन्होंने कहा कि घपले, घोटाले और भ्रष्टाचार करने वाला घमंडिया गठबंधन राहुल गांधी और अखिलेश यादव का है। और दूसरी ओर 23 साल तक प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री रहने के बावजूद भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर 25 पैसे का आरोप नहीं है। जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। और जोर से बोलो, जानना है। देखो, 5 चरण में मोदी जी 310 पार कर गए हैं। 310 ये छठा और सातवा 400 पार कराने का है। और राहुल बाबा, ये महाराजगंज की भूमि पर मैं कहता हूं, सुन लो, आप 40 भी पार नहीं कर रहे हो। 40 भी। और ये दूसरे जयजादे अखिलेश जी, वो भी 4 के अंदर रहने वाले हैं। भाइयों बहनों, आज मैं एक बात कहकर जाता हूं, 3 तारीख को सब लोग याद कर लेना, 4 को काउंटिंग है। 4 की दोपहर को ये दोनों शाहजादे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहेंगे ईवीएम खराब था, इसलिए हम चुनाव हार गए। इन्होंने तय कर लिया है कि हार का ठीकरा ईवीएम पर फोड़ना है। राहुल बाबा, नाचना न आए तो आंगन टेढ़ा वाला आपका हिसाब है। आंगन टेढ़ा वाला, 7 करोड़ के घपले, घोटाले, भ्रष्टाचार करने वाला एक घमंडिया गठबंधन राहुल गांधी अखिलेश यादव है। और दूसरी ओर 23 साल तक प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री रहने के बावजूद भी 25 पैसे का जिस पर आरोप नहीं है, ऐसे हमारे नरेंद्र मोदी है। नरेंद्र मोदी। भाइयों बहनों, एक और, थोड़ी गर्मी बढ़ते ही विदेश में छुट्टी करने वाले, वैकेशन करने वाले राहुल बाबा और अखिलेश यादव है। और दूसरी ओर 23 साल तक एक दिन का भी छुट्टी लिए बगैर, एक दिन का भी छुट्टी लिए बगैर दीपावली के दिन भी सेना के जवानों के साथ सरहद पर मिठाई खाने वाला नरेंद्र मोदी है। महाराजगंज से सीनियर संवाददाता अंगद शर्मा के साथ सुनील पांडे की रिपोर्ट। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।